नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा, आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। अब शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। जीरपुर कोतवाली थाना क्षेत्र की तरौका गांव निवासी भूतपूर्व सैनिक पुराम आशीष यादव पुत्र ब्रिजभान यादव ने SP को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की मांग की है। पीड़ित भूतपूर्व सैनिक का कहना है कि हमारे विपक्षी हमें तरह तरह के हथकंडे अपनाकर हमें फर्जी मुकदमे में फंसाना चाहते हैं। हमारे पूर्वजों की जमीन में कुआं पाट कर रास्ते का निर्माण करा दिया गया है और मेरे ही ऊपर रास्ता बंद करने का आरोप लगाया जा रहा है। पीड़ित ने इस मामले में पुलिस अधीक्षक से जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि इसी जमीन विवाद को लेकर कुछ रोज पहले मारपीट भी की गई थी, जिसमें दोनों पक्ष से लोग घायल हुए, जिसको लेकर थाने में दोनों पक्षों की तरफ से मुकदमा पंजीकृत किया गया। उज्जैन मेरी शर्त थी कि जो हमारे पूर्वजों की नाम की जमीन थी, जिसमें हमारे विपक्षी द्वारा छरदेवाली लगाई जा रही थी, मैं उसको रोक रहा था और रोकने के बाद मैं SDM DM तक ले, मुख्यमंत्री पोर्टल तक ले मैंने एप्लीकेशन किया कि ताकि इनकी दीवार को रोक दिया जाए और हमारी जमीन को बचा दिया जाए और हमारे आने जाने का रास्ता बरकरार रहे जैसे चलाया रहे सदियों से। ये हमारे खिलाफ लोगों ने हमारा रास्ता बंद करके हमारे को मारना पीटना और उल्टा बयान दे करके हमें दंडित कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। मैं आज भी वही अपील कर रहा हूं कि मैं अपराधियों से दूर रहना चाहता हूं, मैं झगड़ा झंटा नहीं चाहता हूं और मुझे न्याय मिल जाए, हमारे जमीन खाली हो जाए और हमारा रास्ता खुल जाए। उस समय सुबह का टाइम था, हम घर में खाना बना रहे थे, हमारे सास ससुर वहाँ पे जो गेट लगाने के लिए रास्ता खुले हैं हम लोग के घर के सामने, वहीं पे हम लोग ईटा धर रहे थे, रख रहे थे, तो वो सब गाली देने लगे कि हम लोग का रास्ता क्यों बंद करें। हम कहें कि अपना रास्ता अपने तरफ खोलो, गाली उली दे लेंगे, उधर से ईट पत्थर चला लेंगे। आप हम यही चाहते हैं कि हम लोग का रास्ता चाहिए।